ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ କନକ୍ଲେଭରେ ଦେଶର କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ କୃଷକମାନେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିର ଚାଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜୈବ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ। ଏହା କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ସହ ବଢ଼ାଇବ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିବ ରୂପାନ୍ତର। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ ସେଥିରୁ ଏବେ ବାହାରି ଆସିବା ଉଚିତ। ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଦେଶର କୃଷକଙ୍କ ଆୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ବଦଳରେ କୃଷକମାନେ ଏବେ ଜୈବିକ କୃଷି ଆପଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟର ଆନନ୍ଦଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକ। साथियों, ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। निज उद्बोधन रे देशर कृषक मानकु रासायनिक सार द्वारा कृषि बदल रे जैविक तथा प्राकृतिक कृषि अपनेबाकु आह्वान देथिले प्रधानमंत्री। एथिपे अधिक खर्च करबाकु पड़े नै। कृषि उत्पाद बढ़ेबा पई देसी गायर गोबर एवं गोमूत्र क्षेत्र रे प्रयोग पई मध्य प्रधानमंत्री परामर्श देथिले। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। निकटरे 3टि कृषि आईन प्रत्याहृत होबा परे एहा थिला देशर कृषक मानकु प्रधानमंत्री प्रथम भर्चुआल वार्तालाप एवं उद्बोधन। वर्तमान सरकारों समय कृषक मान किपन कृषि उत्पाद को निज इच्छा अनुसार विक्रय कर सुविधा दी जाए ता प्रकाश करते प्रधानमंत्री। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे। आम कृषि को रासायनिक लाभ रु बाहर करी प्रकृति रो लाभ सहित संजोग करिबार आवश्यकता रहिछि। प्रकृति सहित जोड़ीबा अर्थ एहा मध्य संपूर्ण विज्ञान उपरे आधारित। मंजी ठारु माटी पर्यंत सबु किछि प्रकृति अनुकूल हेबा उचित। कृषि क्षेत्र में आधुनिक वैषयिक कौशल प्रयोग द्वारा एथिरे वैप्लविक परिवर्तन अणा जाय पारिबो। आधुनिक समय रे मध्य कृषि रो पारंपरिक कौशल अनुसरण करा जाय परिबो। एहा द्वारा देशर 80% क्षुद्र चाषी उपकृत होई परिबे बोली मत देथिले प्रधानमंत्री। साथियों, आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है उतना ही बैक टू बेसिक की ओर बढ़ रही है। इस बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना। अन्य मानक सह कनक्लेव रे जोग देथिले केंद्र समवाय एवं गृहमंत्री अमित शाह। जमीर ऑडिट एवं जैविक कृषि उत्पाद पर केंद्र सरकार तरफ लाभ प्रतिष्ठा बाबद निया पदक्षेप संपर्क में सूचना देथिले केंद्रमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।